हरिद्वार के कनखल स्थित आदर्श आयुर्वेद फार्मोसो की स्थापना के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरे ने समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आयुर्वेद के महत्व को लेकर अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि कोरोना काल में साबित हो गया कि आयुर्वेद भारत के बेहतर चिकित्सा पद्धति है। उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में आयुर्वेद औषधियों का भंडार है और पूरे विश्व में इनका प्रचार प्रसार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूंगा, भगवान का बहुत आशीर्वाद रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा और कनखल वासियों का, हरिद्वार वासियों का बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद स्नेह बना रहा, उस कारण हम इतना यहाँ तक पहुँच सके। और ये मेरे पास ऑन पेपर्स 15 अगस्त 1947 के पेपर्स हैं जिस दिन हमारी चिकित्सा की स्थापना हुई थी। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है केरल के देश के लिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, मैं बता नहीं सकता कि कितना मेरे को हर्ष और खुशी है और गर्व से सीना चौड़ा है कि ये दिन हर किसी की जिंदगी में एकदम आ नहीं सकता। हमने सब ने मिलकर आयुर्वेद विद्या को याद किया, उसको स्मरण किया और ये हमने पूरा परिवार की तरफ से इकट्ठा किया कि जिस प्रकार से कोविड महामारी में हमने सबक सीखे हैं कि किस प्रकार अपनी सेहत, हेल्थ और इम्यूनिटी के ऊपर में काम करना चाहिए, उसके अंदर में आयुर्वेद ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर में जो आदर्श आयुर्वेद फार्मेसी है, इन्होंने बहुत ही निष्ठा से, सेल्फलेस से काम किया है। तो उत्तराखंड में, हिमालयस में, जो शिव जी के घर में, आंगन में जो आयुर्वेद का ब्लेसिंग्स है वो अपने आप में एक अलग है।